बुंदेलखंड केसरी और बुंदेलखंड के शिवाजी के नाम से प्रख्यात महाराजा छत्रसाल एक प्रतापी योद्धा थे, जिन्होंने मुगल शासक औरंगजेब को पराजित करके बुंदेलखंड में स्वतंत्र साम्राज्य की स्थापना की थी। वे बुंदेलखंड के महाराजा चंपत राय के बेटे थे, जिन्होंने मुगलों के सामने घुटने टेकने से इनकार किया था और आखिरी सांस तक लड़ते रहे थे। माता पिता की आकस्मिक मृत्यु के समय छत्रसाल बालक थे। मामा साहेब सिंह से उन्होंने युद्ध कला की शिक्षा ग्रहण की। अपने पिता के समान शौर्य, साहस, आत्मविश्वास और पराक्रम से परिपूर्ण छत्रसाल दूरदर्शी भी थे। जब भी वह बुंदेलखंड को स्वतंत्र कराने की बात करते तो उनके भाई और मित्र एक ही उत्तर देते कि मुगल सेना बहुत अधिक शक्तिशाली है। दूरदर्शी बालक छत्रसाल ने मुगल सेना की शक्ति का आकलन करने के लिए दिल्ली सल्तनत में कार्यरत राजा जय सिंह से संपर्क किया और मुगल सेना में भर्ती हो गए। औरंगजेब भी इस किशोर बालक की वीरता से अत्यंत प्रभावित रहने लगा था, लेकिन एक रोज स्वाभिमानी छत्रसाल ने सेना से त्यागपत्र दे दिया। सन 1668 में वह शिवाजी से मंत्रणा करने के लिए उन्हें मिलने गए। शिवाजी इस नवयुवक से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने छत्रसाल को बुंदेलखंड को स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए प्रेरित किया। सन 1671 में मात्र 22 वर्ष की आयु में छत्रसाल ने केवल 5 घुड़सवार और 25 अन्य सैनिकों के साथ मुगल सेना की एक बड़ी टुकड़ी को परास्त किया। देखते ही देखते उन्होंने मुगलों के अधीन अनेक क्षेत्रों और किलों पर विजय प्राप्त करके बुंदेलखंड साम्राज्य स्थापित किया। तत्कालीन साहित्यकार कवि भूषण ने उनकी प्रशंसा में कहा है, छता तोरे राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा मुख करे उत उत फतेह होए। छतरपुर नगर, छतरपुर जिला, छत्रसाल संग्रहालय और छत्रसाल स्टेडियम उनके नाम पर ही है। महाराजा छत्रसाल के जन्मदिवस पर समस्त आईएमसी परिवार समूचे देशवासियों को देशभक्ति के साथ साथ लक्ष्य प्राप्ति के संकल्प लेने का आग्रह करता है। गुड आईएमसी। जिन लोगों ने आईएमसी बिजनेस पेज को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया हमें सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पे क्लिक करें, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।